अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और ख़ूबसूरत डिज़ाइन लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके के साथ ये मैं आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन माशाल्लाह कितना प्यारा है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया और लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये जो जाली कांटा मैंने लगाया है, ये सिलाई भी मैं आपको लगाने का तरीका मुकम्मल बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, इसी तरह हमने कफ के ऊपर निशान लगा लेने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये 2 इंच का हमने एक साइड पे निशान लगाना है। इसी तरह दोस्तों, दूसरी साइड पे भी हमने 2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखिए, हमने फोल्ड कर लेना है दोस्तों। इसी तरह हमने कपड़ा रख के ऊपर कफ रखना है, और ताकि हमें पता चल सके हमने सिलाई कितने मार्जिन में लगानी है। ये देखें, इसी तरह हमने कपड़े को निशान लगाना है, और दूसरी साइड पे भी कफ को फोल्ड करके बुकरम को दूसरी साइड पे भी हमने निशान लगा लेना है। तो दोस्तों, ये सिलाई हमने लगानी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इससे हमने जाली बनानी है। ये देखें, कफ के पीस में बिल्कुल दरमियान में ये हमने जाली बना लेनी है। तो दोस्तों, ये जो है, आपने ये स्प्रिंग में धागा नहीं डालना, बिल्कुल खुला छोड़ देना धागा। ये देखें, नीचे इसी तरह का ये हमने ये धागा, देखें इसी तरह धागा आना चाहिए, तब जाके ये दोस्तों ये जाली बनेगी। ये देखें, इसी तरह हमने ये टेंशन जो स्प्रिंग है, इसमें हमने ये धागा नहीं डालना, धागा निकाल लेना है, धागा बिल्कुल लूज छोड़ देना है, खुला छोड़ के धागा हमने ये सिलाई लगानी है, जैसे दोस्तों टांका ख़राब करके सिलाई लगानी है। ये देखें, इसी तरह हमने दोस्तों कॉलर के पीस पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इसी तरह हमने ये खींच के दोनों साइडों से ये हमने जाली बना लेनी है। तो दोस्तों, याद रखें, ये जो धागा है हमने टेंशन स्प्रिंग में नहीं डालना, बिल्कुल ढीला और लूज छोड़ के धागा तब हमने सिलाई लगानी है। अगर हम टेंशन स्प्रिंग में धागा डाल के सिलाई लगाएंगे तो ये इसी तरह जाली नहीं बनेगी। ये देखें, कफ को, सॉरी कॉलर को भी हमने इसी तरह निशान लगाने हैं। दोनों साइडों में हमने 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं। ये देखें, इसी तरह हमने फ्रंट पट्टी पे सिलाई लगानी है, और ये हमने इतना फासला छोड़ के सिलाई निकाल लेनी है। ये देखें दोस्तों, आप आराम से इसी तरह खींचेंगे तो ये जाली की शेप में ये टांका बन जाएगा। ये देखें, आप सिर्फ 3 इंच छोड़ के आप ऊपर से हमने सिलाई लगानी है। ये तो दोस्तों, हमने ये सिलाई जो हमने लगाई है, और कफ हम जब फ्यूज़ करेंगे तो हमने कफ के दरमियान में ये सिलाई नहीं रखनी, एक साइड पे हमने 1 इंची कफ को फोल्ड कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हमने ये फ्यूज़ करना है कफ। दोस्तों, सबको सिलाई हमने इसी तरह लगा लेनी है, बैन को और फ्रंट पट्टी को और कफ के दोनों पीसों को। ये देखें, ये इस तरह रख के हमने फ्यूज़ कर लेना है, और ये जो हमने ये सिलाई लगाई है, ये बिल्कुल दरमियान में नहीं होनी चाहिए। ये देखें, कॉलर को भी हमने इसी तरह रख के फ्यूज़ करना है। ये देखें, मैं आपको बता देता हूँ, दोनों साइडों से हमने 2-2 इंची का मार्जिन छोड़ के, और ऊपर वाली साइड जो है 1 इंची का मार्जिन छोड़ के हमने इसको पेस्ट कर लेना है। ये देखें, मैंने फ्यूजिंग कर ली है कफ की, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये जो सिलाई हमने लगाई है जाली वाली, ये सिलाई जो है दरमियान में नहीं है, कफ के एक साइड पे है। ये देखें, यहाँ से हमने 1 इंची का फासला छोड़ा है, दूसरे कफ पे भी
इसी तरह हमने पेस्ट कर लिया है। और फ्रंट पट्टी दोस्तों ये देखें, फ्रंट पट्टी की जो सिलाई लगाई है ये भी एक साइड पे ही होनी चाहिए। नीचे से दोस्तों 3 इंच हमने छोड़ ली है और एक साइड पे हमने ये 1/2 इंची रख के फ्यूज़ कर लिया है। तो दोस्तों अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपने एक सिलाई और लगानी है एंकर की, तो आप कोई भी कंट्रास्ट कर लें एंकर का, तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों पहले सबसे हमने धागा निकाल के सुई से इसी तरह हमने निशान के तौर पे एक सिलाई लगा लेनी है ताकि हमें पता चल सके कि हमने एंकर जो लगाना है वो कहाँ पे रख के हमने लगाना है। ये देखें, ये निशान दूसरी साइड पे हमको नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह हमने सबको सिलाई लगा लेनी है सुई से धागा निकाल के। ये देखें, इतना फासले पर हमने एंकर चलाना है। दोस्तों ये जो जाली का किनारा है वहाँ से हमने 1 इंची फासला छोड़ के एंकर की सिलाई लगानी है। ये देखें, सबको दोस्तों इसी तरह हमने सुई से धागा निकाल के सिलाई लगानी है ताकि हमें पता चल सके उल्टी साइड पे हमने जो एंकर की सिलाई लगानी है कहाँ लगानी है। तो ये सिलाई जो मैं लगा रहा हूँ धागा निकाल के, ये हम लगा लेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि हमने सिलाई कहाँ लगानी है। ये देखें, दूसरी साइड पे दोस्तों हमें निशान के तौर पे सिलाई नज़र आ जाएगी तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। ये देखें, ये देखें, इसी तरह हम अगर निशान के तौर पे सिलाई लगा लेंगे तो हमें पता चल सकेगा। ये देखें, इसी तरह हमने सिलाई लगानी है दोस्तों। इसी तरह हमने कॉलर को भी सिलाई लगा लेनी है एंकर की। तो दोस्तों ये जो हमने सिलाई पहले जाली वाली लगाई है ये हमें हमने ऊपर बुकरम पेस्ट कर लिया है, दूसरी साइड पे हमें नज़र नहीं आ रही। तो सुई से धागा निकाल के अगर हम सिलाई लगा लेंगे निशान के तौर पे तो हमें आसानी होगी ये एंकर की सिलाई लगानी, ताकि हमें पता चल सकेगा कितने मार्जिन में हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने सबको सिलाइयाँ लगा ली हैं एंकर। ये देखें, इसको भी हमने लगा ली, दूसरे कफ को भी और फ्रंट पट्टी को भी। इसी तरह हमने सबको सिलाइयाँ लगा लेनी है। ये देखें, जाली जो है कितनी प्यारी बन गई हमारी। ये कॉलर भी है, कॉलर को भी हमने इसी तरह सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों ये हमने चावल टांका चलाना है। सुई में हमने कोई भी कंट्रास्ट धागा डाल के सुई के साथ हमने ये चावल टांके दो दो टांके लगा लेने हैं। ये देखें दोस्तों, इसी तरह हमने दो चावल टांके बना लेने हैं। तो दोस्तों इसी तरह हमने जो दूसरा कोना है एंकर का वहाँ पे भी हमने ये जो चावल टांका है ये बना लेना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है ये डिज़ाइन बनाने का और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये। ज़रूर आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी तरीके से समझ आएगी। ये देखें, इसी तरह हमने दूसरे कफ को भी चावल टांका लगा लेना है और कॉलर का जो एंकर का जो कोना है वहाँ पे हमने ये चावल टांका बना लेना है। और फ्रंट पट्टी को भी हमने इसी तरह लगाना है ये चावल टांका। देखें, सबको हमने इसी तरह चावल टांके लगा लिया है। ये देखें, कॉलर को भी हमने इसी तरह ये टांके लगा लिए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो जाली हमने बनाई है दरमियान में कफ के, जो हमने ये जाली लगाई है कफ के ऊपर, इसके किनारे पे हमने ये मेटल बीड्स लगा लेने हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे
एक मशीन के साथ कोई टांका लगा सकते हैं, नहीं तो आप ये मेटल बीट्स लगाएंगे तो प्यारा लगेगा, इससे लुक जो है ज़्यादा आएगी। ये देखें, इसी तरह हमने सबको मेटल बीट्स लगा लेने हैं। ये जो जाली के किनारे हैं दोनों साइडों पे हमने दो दो मेटल बीट्स लगा लेने हैं, और फ्रंट पट्टी को दोस्तों हमने एक लगाना है। ये देखिए आप, नीचे कोई भी आप गत्ता वगैरह या कोई भी बॉक्स रख सकते हैं, और इसके कांटे जो है दूसरी साइड पे हमने कैंची की मदद से फोल्ड कर लेने हैं। तो दोस्तों देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक का ये डिज़ाइन की, और डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, और अपना रखिए ख्याल।